हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब मैस यूट्यूब चैनल। अब आप घर बैठे ही केबीएस पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में 11th 12th से लेकर के एमएससी तक के हर एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी। यहाँ केबीएस से रिलेटेड ही नहीं जबकि हर एक स्टेट के एलटी लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मिलेंगे। और आपको सुबह 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर की एक वीडियो भी मिलेगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी का सब ग्रुप। सब ग्रुप को समझने से पहले एक हमने वीडियो बनाया हुआ है ग्रुप के लिए, आप उस ग्रुप की वीडियो को देख लीजिए और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आप इस चीज़ में आइए। तो आज हम पहले सब ग्रुप की बात करेंगे और फिर उस सब ग्रुप से रिलेटेड जो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और पहले चलो शुरू करते हैं फिर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सब ग्रुप। सब ग्रुप होता क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा सब ग्रुप होता क्या है। सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम को हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो समझते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ऑपरेशन का पता होना चाहिए, ग्रुप सेट का पता होना चाहिए, सबसेट का पता होना चाहिए। ये सब आप एक बार ग्रुप थ्योरी की वीडियो देख लीजिएगा। तो मान लीजिए, सबसे पहले तो मान लीजिए कोई मेरे पास जी, एक जी ये यहाँ पर कोई इस टाइप का लिखा है जी ओ, इसका मतलब जी जी कोई सेट है, ओ ऑपरेशन है, जी उस ऑपरेशन में मेरे पास क्या है, एक ग्रुप है। मान लीजिए जी एडिशन के अंदर भी ग्रुप हो सकता है और जी मल्टीप्लीकेशन के भी अंदर ग्रुप हो सकता है, ठीक हो गया। मान लीजिए एक सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर का मतलब मेरे पास होता है जीरो, यहाँ पर को वन, यहाँ टू, चलते चलते यहाँ मेरे पास कितना होता है, -1 -2 और चलते चलते ये मेरे पास क्या है, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। अंडर किसके अंदर होता है, अंडर एडिशन, हम जानते हैं ये अंडर एडिशन के अंदर एक ग्रुप होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर जीरो को छोड़ करके, नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, -1 -2 चलते चलते नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ये भी एक मेरे पास क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, अंडर मल्टीप्लीकेशन जीरो को छोड़ करके, इसलिए क्योंकि जीरो का मेरे को इनवर्स नहीं मिलता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, ये मेरे पास दो ग्रुप होते हैं। और अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर एलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस, और इसको अगर मैं ग्रुप लिख सकता हूँ तो ये होता है मेरे पास, अगर मान लीजिए इसको ग्रुप में लिखना है तो जेड इंटू। अब मान लीजिए कोई एक ग्रुप है जेड, मेरे पास क्या है, एक कोई ग्रुप है। अब इस ग्रुप में मेरे पास बहुत सारे सबसेट होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें कोई इसी जेड में मेरे पास एक सबसेट हो सकता है ए जीरो, एक दो तीन, और मान लीजिए फिर मेरे पास हो सकता है एक दो तीन चार। तो इसका मतलब क्या, किसी ग्रुप में जो सबसेट होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लेट जी ऑपरेशन बी ए ग्रुप, देन एनी नॉन इक्वल सबसेट एच ऑफ जी इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब बात आती है सब ग्रुप की, और सब ग्रुप क्या होता है, अब हम बात करते हैं सब ग्रुप की। देखिए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी का, कोई जी का सबसेट है, कोई मान ले जाए कोई जी का, जी ग्रुप है उसका कोई सबसेट है एच, वह कहलाएगा सब ग्रुप कहलाएगा। अगर मान ले जाए एच इज स्टेबल द ऑपरेशन ओ, एच ऑपरेशन इज ए ग्रुप, कुल मिलाकर के ये लिखा गया है। देखो मान लीजिए मेरे पास जी कोई एक ग्रुप है, किसी अंडर ऑपरेशन के अंदर जी कोई ग्रुप है, मान लीजिए जेड मेरे पास क्या है, एक अभी अभी मैंने बताया था जेड सेट ऑफ इंटीजर मेरे पास क्या होता है, एक ग्रुप होता है अंडर कौन से ऑपरेशन में, अंडर एडिशन में। तो अब देखिए इस सेट जेड में मेरे पास एक इवन नंबर्स का, भी सेट होगा। इवन नंबर्स का सेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, फोर हो सकता है, या हमको कितना -2 होगा, -4 होगा, चलते चलते। तो इसका मतलब जो ये ई है वह सबसेट है जेड का, क्लियर, जो ई है वह सबसेट है जेड का, तो जेड ग्रुप है अंडर एडिशन में। अगर यह ई भी ग्रुप हो जाता है अंडर एडिशन में तो यह ई मेरे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप होने के लिए कोई सबसेट किसी ग्रुप जेड का, मान लीजिए किसी ग्रुप जी का कोई सबसेट एच सब ग्रुप कहलाएगा, जब यह एच भी ग्रुप होगा किसके, किस ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत जी ग्रुप हुआ होगा, क्लियर। अब बात आती है आगे की ओर को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो टू सब ग्रुप से, एक तो जी ऑपरेशन मतलब जी के साथ पूरा का पूरा जी ऑपरेशन, और एक मेरे साथ आइडेंटिटी ऑपरेशन ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल मिलाकर के एक बार और समझते हैं। मान लीजिए जेड ऑफ सेट, जेड सेट ऑफ इंटीजर था मेरे, सेट ऑफ इंटीजर था ये मेरे पास एक ग्रुप था, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसके अंदर, एडिशन के अंदर,
तो इसका मतलब जेड ऑपरेशन, और मेरे पास क्या कह रहा है आइडेंटिटी, एडिशन की आइडेंटिटी जीरो, जीरो ऑपरेशन, तो इसका मतलब ये है और ये है जो मेरे पास सब, ये दोनों सब ग्रुप होंगे और ये दोनों ये सब ग्रुप, कैसे सब ग्रुप कहलाएंगे, इनका नाम बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या, किसी भी सेट में कितने इम्प्रॉपर सबसेट हों, कितने इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे मेरे पास, कितने इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे, दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये केबीएस में आ भी सकता है इसका ये क्वेश्चन। तो अब आगे की ओर को बढ़ते हैं। अब मेरे पास आते हैं कुछ एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मेरे पास लिखे हैं ये हैं, देखिए एक और माइनस एक इज अ सब ग्रुप ऑफ इतना, एक माइनस एक आई माइनस आई। हाँ देखिए ये मेरे पास एक ये एक माइनस एक आई माइनस आई इंटू, अभी मेरे को जो ऑपरेशन दिया है वो मल्टीप्लीकेशन दिया है, यह है मेरे पास एक ग्रुप है और यह भी मेरे पास क्या है एक ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक और माइनस एक सबसेट है इसका, तो इसका मतलब यह चीज मेरे पास क्या कहलाएगी, सब ग्रुप कहलाएगी। क्यू पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव मतलब रेस्टर नंबर से का क्यू के साथ एडिशन, क्यू के साथ एडिशन, तो इसका मतलब क्या, रेस्टर नंबर का सेट अंडर ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन है यह, और जेड प्लस मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर अंडर ऑपरेशन प्लस, तो जो यह जेड है, जेड मेरे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा क्यू का। क्लियर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर से, देखिए एक प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। जी बी द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, जो मेरे पास जी क्या है, एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, मतलब जी में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स का, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं उन सब के सब रियल नंबर्स का एक सेट है जी, और वह जी मेरे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो इसका मतलब जो जी में जो ऑपरेशन है वो है मेरे पास क्या है, जो बंधु जी में ऑपरेशन है वो है मेरे पास क्या है, जी इंटू। क्लियर हो गया, जी इंटू। अब मेरे पास क्या कह रहा है, एंड आर बी द एडिशन ग्रुप, आर मेरे पास क्या है एडिशन ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या, आर पॉजिटिव, आर में एडिशन ऑपरेशन क्या अभी एडिशन है ऑफ ऑल रियल नंबर, तब मेरे क्या आप मेरे को बताना है, इज जी इज द सब ग्रुप ऑफ आर, क्या जी मेरे पास आर का सब ग्रुप है, तो देखूंगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन अगर मेरे पास जी सब ग्रुप होगा, अभी देखो जी मेरे पास अभी सबसेट तो है आर का, क्योंकि आर तो रियल नंबर्स का सेट है सबके सब, जी मेरे पास क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट, सबसेट तो है, परंतु ये जिसके अंदर ये ग्रुप है वह है मेरे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन, जिसके अंदर ये ग्रुप है वो क्या है मेरे पास इंटू, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मल्टीप्लीकेशन, ये मेरे पास क्या है प्लस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ रखा था इसके भी, अगर यह जी सब ग्रुप होगा कब, अगर यह सबसेट होगा आर का, और यह जिस ग्रुप जिस ऑपरेशन के तहत, यह ग्रुप हुआ होगा उसी तरह ऑपरेशन के तहत यह आर्मी मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, तभी मेरे पास क्या होता है जी सब ग्रुप हो गया। क्लियर। तो हम बात करते हैं आगे को, कुछ नंबर हैं, मान लीजिए कुछ एक थ्योरम है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए एट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी, मान लीजिए एच सब ग्रुप है, तब मेरे पास क्या कहलाएगा, देन प्रूव दैट आइडेंटिटी ऑफ एच, जो एच की जो आइडेंटिटी होगी इज सेम एज द जी। क्लियर हो गया। अगर मान लिया जाए मेरे पास जी एक ग्रुप है, एक बार इसको और क्लियर करके समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक जी ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, अभी अभी बात क्या थी, सेट ऑफ इंटीजर है, तो इसका मतलब जीरो होगा, वन होगा, यहाँ टू होगा, चलते चलते यहाँ माइनस वन होगा, यहाँ माइनस टू, यहाँ भी चलते चलते एक इवन नंबर्स का सेट है, वो मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा, प्लस माइनस टू होगा, प्लस माइनस फोर होगा, और फिर मेरे पास चलते चलते होगा, जो ये ई है वो मेरे पास क्या है सबसेट है जी का, और ई जिसके अंदर ग्रुप है वो भी, जी भी उसके अंदर ग्रुप है, तो इसका मतलब ई मेरे पास क्या कहलाएगा, एक सब ग्रुप कहलाएगा। और अब देखिए अगर यह ई सब ग्रुप है, तो अगर यह ई ग्रुप है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को ये भी एग्जिट करेगा, और इसका अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिट किया होगा तो इसका मतलब वो है आइडेंटिटी एलिमेंट जी में भी होगा, तो इसका मिला करके क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज सेम एज द ग्रुप ऑफ जी। तो अब मेरे पास आता है द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए, ए का जो मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ये ए दो है, दो का इनवर्स अभी मेरे पास कितना होगा, माइनस दो होगा। ठीक हो गया। इज सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम एलिमेंट ए रिगार्डिंग एज द एलिमेंट ऑफ जी। अब मेरे पास क्या कह रहा है, मान लीजिए ये दो है, दो इसमें भी होगा,
जैसा दो का इन्वर्स इस ई के लिए होगा वैसा ही दो का इन्वर्स मेरे पास क्या होगा, जी के लिए होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ऑर्डर, अब मेरे पास ये ऑर्डर वाली बात करता है, ऑर्डर के लिए भी ऐसा ही कहता है। अगर मान लीजिए ई में कोई एलिमेंट है, अगर ई का ई ई के किसी एलिमेंट का ऑर्डर मेरे मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट है, जैसे मेरे पास दो है, दो का ऑर्डर मेरे पास क्या है चार है, तो इसका मतलब वही अगर यह दो इस जी में है तो दो का यहाँ भी ऑर्डर मेरे पास कितना होगा चार। और वैसे तो इसका ऑर्डर नहीं होगा दो का ऑर्डर, क्योंकि मैं जानता हूँ इनफाइनाइट सेट है। और इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या है। अगर आपने ऑर्डर की वीडियो नहीं देखी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ऑर्डर की भी हमने वीडियो बना रखी है वो भी देख लीजिए। तो हम बात करते हैं आगे की ओर को। अभी तक का हमने जो चीजें पढ़ी थी टोटल एक बार रिवीजन कर लेते हैं उन सब का। मान लिया जाए कोई, मान लिया जाए कोई ग्रुप जी है, कोई ग्रुप जी है उसमें जितने भी सबसेट होंगे, उतने भी जितने भी सबसेट होंगे वो सब के सब मेरे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। कोई एक सेट जी है और उसमें जितने भी सबसेट हैं वो सब मेरे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। सबसे पहली बात थी। अगर मान लिया जाए जी मेरे पास किसी ऑपरेशन के अंदर ग्रुप है और मान लिया जाए उस पर कोई सबसेट है एच, कोई एच सबसेट होना चाहिए, जिसके अंदर जिसके तहत जी मेरे पास ग्रुप है उसके ही तहत एच भी मेरे पास ग्रुप होना चाहिए, तो यह एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। क्लियर। अब मेरे पास कुछ थ्योरम आती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे केवीएस के लिए, फिर भी एक बार बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आगे आने वाली है। अब मेरे पास क्या कह रहा है, नॉन इम्पटी सबसेट एच, नॉन इम्पटी सबसेट एच, कोई एच मेरे पास क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट है। क्लियर। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझना है, कोई नॉन इम्पटी मेरे साथ नॉन इम्पटी सबसेट है, तो इसका मतलब एच फाई नहीं है, एच सबसेट है जी का, एच सबसेट ऑफ जी इज ए सब ग्रुप। यह एच सब ग्रुप कहलाएगा कब, जब ए कॉमा बी एच में होता है, साथ साथ में ए और बी मेरे पास किस में हो जाना चाहिए, ए इंटू बी एच में हो जाना चाहिए, ए ऑपरेशन। हाँ जैसे चलो एक बार इसको क्लियर समझते हैं। देखो मेरे से क्या कहना चाह रहा है सुनना, मान ले जाए इसको चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर को थोड़ा सा इस किताब वाले ने गलत लिख दिया है, गलत कुछ नहीं लिखा है, बस इसने ऑपरेशन करके लिख देना था जिससे हमारे समझ में आ जाए। अब देखो मेरे पास जी ग्रुप होगा तो इसका मतलब कोई ऑपरेशन होगा। अगर मान ले जाए एच है, एच सब ग्रुप है, एच सबसेट है, मान लीजिए जी एच इज द सबसेट ऑफ जी, तो एच अगर सब ग्रुप होगा तो इसका मतलब क्या है, जैसा ऑपरेशन इधर वैसा ऑपरेशन इधर। अगर कोई एच अभी एच सबसेट है जी का, और अगर मान लीजिए ए कोमा बी एच में है, तो इसका मतलब अगर साथ में ए ऑपरेशन बी भी मेरे पास एच में होता है, और मेरे पास अगर ए बिलोंग्स टू एच है और साथ में ए इनवर्स, मतलब क्या है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए भी अगर एच में होता है, अगर ये दोनों कंडीशन है होल्ड कर जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। एच अभी सबसेट था, एच खाली सबसेट है, अगर एच सबसेट है जी का और एच अगर ये दोनों कंडीशन है होल्ड कर जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे की ओर को। अब जैसे देखिए अभी यहाँ पर को जो क्या लिखा था ना इसने, इस वाले में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर को तो जो इसने लिख रखा था ना, ये ए इंटू बी, ए यहाँ पर को जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच है, इससे क्या दिया था, ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के लिए दिखा रखा था। अब देखो ये ए का इनवर्स, ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन का जो इनवर्स होता है उसको लिखते हैं ए का ऐसे, ए इनवर्स, क्योंकि ये वन अपॉन ए हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स। अब यहाँ पर को जो चीज़ है ना, जैसे यहाँ पर कोई नॉन इम्पेटिव सबसेट है जी है, अगर जी प्लस है, जी प्लस के लिए तो मेरे को क्या लिखेगा, अभी अभी मैंने बताया ना ए ऑपरेशन बी, तो अभी ऑपरेशन क्या हो जाएगा प्लस, ए ऑपरेशन बी किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए, और ए का इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस ए, ये लिखा है ए इनवर्स स्टैंड फॉर माइनस ए, तो इस टाइप की चीज़ है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, अगर ग्रुप जी फाइनाइट है, कोई जी मेरे पास फाइनाइट है और उस पर कोई सबसेट एच है, वह सब ग्रुप कहलाएगा कब, जब ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच और ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ, फाइनाइट ग्रुप जब क्वेश्चन दे देगा। अब देखो इसी को समझते हैं, यहाँ पर को एक बार चीज को यहाँ पर को समझते हैं। अब देखो मेरे से क्या कह रहा है, नॉन नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, खाली अभी क्या कह रहा है, नॉन इम्पटी सबसेट, अगर मान लिया जाए कोई ग्रुप जी में कोई सबसेट, कोई जी में कोई नॉन इम्पटी सबसेट एच, यहाँ पर कोई एच होगा, इसमें किताब की थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो देखो कोई मेरे पास सेट, कोई मेरे पास एक ग्रुप जी है, अब देखो इस पर कोई सबसेट एच है, अभी अभी बात की थी जो उसी को उसी थ्योरम का अगले का रूप है, अगर एच सबसेट है जी का, जी मेरे पास ग्रुप है, एच मेरे पास क्या है सबसेट है,
तो यह एच सब ग्रुप कहलाएगा कब, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच होता है। से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ऑपरेशन, ये ए इंटू बी, यहाँ भी थोड़ा गलत लिख रहा है, ए ऑपरेशन होना चाहिए, ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू, मेरे पास कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक, अगर मान लिया जाए एच सब, देखो एच क्या है, सबसेट है जी का, जी ऑपरेशन है, अभी मेरे पास क्या ऑपरेशन, मेरे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो यह एच, तो यह एच सब ग्रुप कहलाएगा, तो यह एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा, एच मेरे पास क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। कब सब ग्रुप कहलाएगा, जब मान लिया जाए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच में है, तो इसका मतलब क्या, ए इंटू बी इनवर्स भी किस में होना चाहिए, एच में होना चाहिए। अब आ जाओ ऐसे ही एक दूसरी, ये मेरे पास पहला नोट हो गया, ये मेरे पास दूसरा हो गया, अगर एच सबसेट है जी का और ऑपरेशन मेरे पास क्या है, और ऑपरेशन मेरे पास क्या है मतलब एडिशन है, तो यह सब ग्रुप जो यह एच है वह सब ग्रुप कहलाएगा कब, जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो मेरे पास एच होता है, तो ए अभी क्या हो जाएगा, ऑपरेशन प्लस हो जाएगा, बी का इनवर्स मतलब कितना हो जाएगा, माइनस बी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास, क्लियर, एच आया। आई नहीं बात समझ में। अब देखो ये कब, जब नॉन एम्प्टी सबसेट, अभी मेरे पास है खाली ग्रुप की बात कर रहा था, और यहाँ पर को आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर को देखो क्या कह रहा था, जब फाइनाइट हो तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, ए इंटू बी एच में होना चाहिए। जब मेरे पास क्या होगा भैया, यहाँ पर को क्या है, अभी ग्रुप क्या इनफाइनाइट हो, या फिर क्या ये जो ग्रुप है यहाँ, ये सिर्फ ये वाला केस सिर्फ फाइनाइट के लिए है, और ये वाला केस क्या, ये इनफाइनाइट के लिए भी हो सकता है और फाइनाइट के लिए भी हो सकता है। क्लियर हो गया, अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इसको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार कमेंट, और ऑपरेशन को समझिए, ऑपरेशनों को समझना है, अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है ये कुछ। तो अब मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यहाँ पर को कह रहा है, ये देखो एक एलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप। अब मान लीजिए एच वन एच टू एच थ्री आर द आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का जी, जी का कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ये जी के कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका मतलब जी के क्या है, सबसेट है। देन मेरे पास जो एच वन इंटू एच टू है, तो मैंने क्या कर रखा है ना, ये गुणा क्या किया है, जो एच वन एच टू है ना, दो सेटों को गुणा कर रखा है, कैसे, देखो इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ना एक, मान लीजिए एक जी है, जी मेरे पास क्या था, एक माइनस एक, एक माइनस एक आई, और फिर कितना हो गया, माइनस आई, और मान लीजिए फिर मेरे पास एक एच है, एच का मतलब तो कितना हो जाएगा, एक और माइनस एक ले लिया मैंने, और एक एच वन ले लिया, एक एच टू ले लिया, वो मैंने लिया आई, और कितना ले लिया फिर मैंने, ए वन ले लिया। तो मेरे को एच वन एच टू, एच वन इंटू एच टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे से क्या कह रहा है, देखो एच वन मतलब क्या, इस एच का एक एलिमेंट कोई सा, इसका इस एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंटों के साथ गुणा करो, और इस एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंटों के साथ करो, तो कितना हो जाएगा, ये तो माइनस आई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। तो इसका मतलब क्या, एच वन और एच टू को मैं कैसे लिखता हूँ, कि एच वन के एक एलिमेंट के साथ एच टू के हर एक एलिमेंट को गुणा करता हूँ, और एच टू के फिर अगले एलिमेंट के साथ एच टू के हर एक एलिमेंट को गुणा करता हूँ, ऐसे एच टू के एच वन के तीसरे एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट को, इसके चौथे एलिमेंट के साथ हर एक एलिमेंट के साथ, इसके पांचवें एलिमेंट के साथ, ऐसे इंटू करते रहूंगा। इट मीन्स एच वन इंटू एच टू इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एच वन विद द एलिमेंट ऑफ एच टू, मतलब क्या, जो एच वन और एच टू का जो प्रोडक्ट, जो मेरे पास एच वन इंटू एच टू है, वो इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ एच वन के सभी जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं एच टू के साथ, वो लिखे जाते हैं। बोल क्लियर हो गया, तो अगर ये क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे पास आता है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या, कोई एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब मेरे पास क्या है, एच बी है कॉम्प्लेक्स ऑफ जी, एच क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एच सबसेट है, एच सबसेट है जी का, तो यह कॉम्प्लेक्स इनवर्स कहलाएगा कब, जब एच इनवर्स, जैसे ना एच इनवर्स इज इक्वल टू के लिखा है एच इनवर्स, इसका मतलब क्या हो गया ना, एच इनवर्स जो है यह पूरा का पूरा जो सेट है ना, जैसे जो ये एच इनवर्स है, यह इस एच के, यह कोई एक एच ग्रुप होगा, जैसे ये एच सेट है, इस एच में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके इनवर्स को कंटेन कर रहा होगा। नहीं आई बात समझ में, एक बार और देखो, एच में, देखो एच में मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जैसे ना मेरे पास एच में है, ये मेरे पास ये एच है, एच वन है, एच वन है, एच टू है, ऐसे हैं। अगर मान लिया जाए इसमें क्या होंगे, फिर यह इनवर्स एलिमेंट होंगे, कैसे कैसे इनवर्स होंगे, अब एच वन एच है तो इसका मतलब क्या, जैसे चलो एक बार और क्लियर समझते हैं इसको, देखना एक बार समझने की पूरी अच्छे से कोशिश करते हैं। देखो जी मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप है, एच मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब एच में जो भी ये एच वन है, एच टू है, एच थ्री है, तो ये सब के सब क्या होंगे मेरे पास, इस जी के एलिमेंट होंगे।
अगर जी के एलिमेंट होंगे तो इसका इनवर्स भी मेरे पास होगा, तो इन एच, अब देखो इनका जो इनवर्स होगा, एच वन का इनवर्स, एच टू का इनवर्स, एच थ्री का इनवर्स, मेरे पास क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। आई नहीं बात समझ में, जैसे एच वन एच टू एच थ्री मेरे पास एलिमेंट थे, ये जी के थे, तो जी के एलिमेंट थे तो इसका मतलब एच, एच मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब क्या है, एच सबसेट है जी का, और ये एच में एच वन एच टू एच थ्री जो एलिमेंट है ये भी मेरे पास जी के एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब क्या, जी तो इनवर्स को एग्जिट करता है, तो इसमें जो भी इनवर्स होंगे, एच वन का इनवर्स, एच टू का इनवर्स, एच थ्री का जो इनवर्स होगा, उनका जो सेट बनेगा उसे क्या बोलूंगा, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया कि नहीं? और मेरे पास याद रखना, कभी भी देखो यहाँ पर को देख लो क्या यह एच 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 इज इक्वल टू एच इनवर्स होगा कि नहीं होगा, क्लियर? क्यों, पक्का मेरे पास होगा, क्यों? अब आप सोच ही सकते हैं क्यों, तो ये वैसे भी लिख रखा है, ये देखिए एच इनवर्स किसके इक्वल होता है, एच के होता है, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, अगर सब ग्रुप है जी का तब मेरे पास क्या होगा, एच इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, एच होगा। तो इसी में बात आती है मेरे पास, अगली बात आती है, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये मेरे पास क्या कह रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन इम्पटी सबसेट एच ऑफ जी। मान लीजिए कोई मेरे पास एक नॉन इम्पटी सबसेट एच है, कोई नॉन इम्पटी सबसेट मेरे पास क्या है, एच है ऑफ ग्रुप जी का, मान लिया कोई नॉन इम्पटी सबसेट एच है ऑफ ग्रुप जी का, तो जैसे अभी अभी मैंने बात की थी, एक जी था मेरे पास, वन था, माइनस वन था, और मेरे पास कितना था, आई था, माइनस आई था, ये मेरे पास एक ग्रुप था अंडर मल्टीप्लीकेशन में, और मेरे पास एच भी होगा, एच में मेरे पास क्या होगा, वन और माइनस वन होगा, ये मेरे पास क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे जी के, सब ग्रुप होंगे। तो अब सुनिए, फिर आप बात को सुनिए, तो एच का इन्वर्स क्या होगा, वन का इन्वर्स तो हो गया वन, क्लियर, और माइनस वन का इन्वर्स क्या हो गया, माइनस वन मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो अब मैं एच और एच, एच इंटू एच इनवर्स निकालता हूँ, तो ये वन इन दोनों के साथ गुणा दो, वन और माइनस वन, ये माइनस वन इन दोनों के साथ गुणा दो, कितना माइनस वन, और कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस वन। तो यहाँ पर इस एच एच इनवर्स को मैं अच्छी तरीके से लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, वन और माइनस वन आ जाएगा, क्योंकि ये वन और वन दो बार आए तो एक बार लिखूंगा, ये दो बार आए तो एक बार लिखूंगा, क्या ये है बराबर एच के, हो गया। तो याद रखूंगा जबकि एच और एच इनवर्स होते हैं तो इसके वो किसके इक्वल होता है, एच के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब आप बात करते हैं आगे की ओर को, तो ये बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझिए और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनेंगे, और याद रखना है मेरे पास। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा और नोट कह रहा है मेरे से क्या कह रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप, ठीक है। अभी समझते हैं इसको क्या है, देखो जो इंटरसेक्शन होता है वो मेरे पास क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। चलो अब मैं आ जाऊँ इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा है, इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई सब ग्रुप है टू एन, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब ग्रुप है, इसमें देखिए अच्छी तरीके से लिखा गया है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब ग्रुप है, मान लीजिए कोई मेरे पास एक सब ग्रुप है एच वन, एच वन इज इक्वल टू मेरे पास जो है वो मेरे पास कितना है टू एन है, सच दैट एन बिलोंग्स टू मेरे पास क्या है जेड, जेड का मतलब इंटीजर हो गया, तो ये एच वन जो हो गया वो मेरे पास कैसे हो गया भैया, जीरो हो गया, प्लस माइनस टू हो गया, प्लस माइनस फोर हो गया, और फिर चलते चलते, और एच एफ टू इज इक्वल टू मेरे पास कितना है फाइव एन, तो इसका मतलब जीरो हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया फाइव हो गया, प्लस माइनस मेरे पास कितना हो गया टेन हो गया, प्लस माइनस पंद्रह हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया बीस हो गया, चलते चलते, क्या यह ग्रुप है, हाँ ये ग्रुप है, क्यों, आइडेंटिटी, यह जो ये है मेरे पास क्या है जेड के अंदर, यह एच वन सब ग्रुप है, देखो मेरे को क्या लिख रखा है, एच वन एंड एच टू बी है टू सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, जेड प्लस के सब ग्रुप हैं, तो इसका मतलब ऑपरेशन क्या है मेरे पास, एडिशन है, तो अगर यह सब ग्रुप है तो इसमें भी एडिशन होगा, यह सब ग्रुप है तो इसमें भी एडिशन होगा ऑपरेशन, क्लियर। तो इसमें भी एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, क्योंकि दो इंटीजर्स को जोड़ूंगा इंटीजर ही बनेगा, दो इवन इंटीजर्स को जोड़ूंगा तो इवन इंटीजर ही बनेगा, क्लोजर भी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी, इनवर्स भी सबका बिलोंग कर रहा है, और सेट ऑफ इंटीजर तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ऐसे ही यहाँ भी हो गया। तो बताओ फिर एच वन इंटरसेक्शन एच टू मेरे पास कितना आया, एक तो जीरो आया तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया, प्लस माइनस दस आया, प्लस माइनस कितना है बीस आया, इनवर्स भी एग्जिट कर रहा है क्योंकि प्लस दस है तो माइनस दस, माइनस दस भी है, प्लस बीस तो माइनस बीस भी है, अगर मतलब ये इवन नंबर है, इन इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो अगेन इवन नंबर ही आएगा, और वो 10 के मल्टीपल्स में ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो इस, और ये भी एसोसिएटिव तो होगा ही, क्योंकि ये तो मैं जानता ही हूँ, क्योंकि सेट ऑफ जितने भी नंबर होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच वन यूनियन एच वन इंटरसेक्शन एच टू, एच वन इंटरसेक्शन एच टू जो ये सेट बना, ये भी मेरे पास क्या, ये भी एक मेरे पास क्या है सब ग्रुप है। अगर मान लीजिए कोई जेड है मेरे पास, कोई मान लीजिए जी है, जी है एक सेट, एक ग्रुप है अंडर ऑपरेशन, अंडर ऑपरेशन, तो इसमें क्या होंगे मेरे पास, कोई दो सेट होंगे, एक एच वन होगा एक एच टू होगा, ये भी मेरे पास क्या होंगे भैया, दो
दो मेरे पास सब ग्रुप है अंडर ऑपरेशन, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो पक्का 100% मेरे पास क्या बनाता है, एक सब ग्रुप बनाएगा इसी जी का, इसमें हमने समझ लिया है। परंतु ये यूनियन के लिए नहीं होता है, परंतु मान लीजिए दो यूनियन हो रहे हैं तो यूनियन के लिए ये नहीं हो पाता है। देखो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए लेट एच वन एंड एच टू बी द टू सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, वेयर एच वन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 2n, मान लीजिए वही 2n 5n जो ऐसा अभी अभी बताया था, तो एच वन यूनियन एच टू में तो सब आ जाएंगे। तो देखो 6 में अगर मैंने 15 जोड़ा, 6 में और 15, देखो 6 और 15 एच वन यूनियन एच टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच वन यूनियन एच टू का मतलब क्या होगा, ऑपरेशन अभी एडिशन है, ऑपरेशन अभी एडिशन है, तो एच वन यूनियन एच टू में 6 और 15 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 तो इसमें आया ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या जो यूनियन होता है वो है, जो यूनियन होता है वो किसको सेटिस्फाइड नहीं करता है भैया, यूनियन जो होता है मतलब दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होगा, दो सब ग्रुपों का जो इंटरसेक्शन होगा वो अगेन ए सब ग्रुप होगा, दो सेटों का जो यूनियन होगा वह है सब ग्रुप नहीं होगा। तो चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन सीरीज है, अभी इन क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो ये नौवा क्वेश्चन आता है, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, अभी अभी बताया था कि जो ये एच इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, पहला मान लीजिए एच वन एच टू एच थ्री मेरे पास क्या है सब ग्रुप ऑफ जी है, तो इनका जो यूनियन होगा इज नॉट ए सब ग्रुप। अगर एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है, डज एवरी ग्रुप फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, जो मेरे पास क्या होते हैं, क्या हाँ यस, जो सबके सब ग्रुप होते हैं, जितने भी ग्रुप होते हैं वो खुद के क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, और वो कैसे ग्रुप, कैसे सब ग्रुप होते हैं, इंप्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, एक तो खुद जी और एक आइडेंटिटी और ऑपरेशन, क्लियर। अब देखो कोई, अब मेरे इज एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, हाँ ये भी साइक्लिक होते हैं। अब मेरे पास क्या आता है, मेरे पास जितने भी सब ग्रुप होते हैं साइक्लिक ग्रुप के, जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सबके सब साइक्लिक ग्रुप, सब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए साइक्लिक कोई ग्रुप है तो इसका मतलब क्या, कोई एक ऑर्डर में चल रहे होंगे, मान लीजिए साइक्लिक ग्रुप है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कोई साइक्लिक ग्रुप है, तो इस टाइप का कोई जनरेटर होता है, जनरेट एक एलिमेंट से, कोई साइक्लिक ग्रुप जी है तो एक एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा, तो दो दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार, इस टाइप का होता है साइक्लिक सब ग्रुप, मान लीजिए एक ग्रुप है तो इसमें सब ग्रुप जो होगा वो भी तो साइक्लिक एलिमेंट ही आएंगे, तो हाँ इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ होगा। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, मान लीजिए कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है एच ऑफ जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, मेरे पास क्या होगा ए कॉमा बी एच में होंगे, और क्या एनी नॉन एम्प्टी सबसेट कह रहा है, हाँ तो इसका मतलब अगर मेरे पास क्या ये वाला ऑप्शन ए सही होता, कब, जब ये एच क्या कहता, ये जब ये ग्रुप जी मेरे पास क्या होता, फाइनाइट होगा, अभी मेरे पास फाइनाइट नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरे पास नंबर बी हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर द टू सब ग्रुप ऑफ जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन सब ग्रुप ऑफ जी, कौन सा, ए यूनियन नहीं होता है, ए बी भी नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एनी ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप इज कितने 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 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं मेरे पास, किसी ग्रुप में दो ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ए सबसेट एच ऑफ जी इज ए सब ग्रुप, यह सबसेट एच सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब मेरे पास क्या होता है ए ए कॉमा बी एच में होगा, तो ए ऑपरेशन बी इनवर्स बी किस में होगा भैया, एच में होगा। द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, ये हमने बताया नहीं था, याद रखना इफ एंड ओनली इफ कब होता है, जब एक एक को कंटेन करता है, बोथ वन इज सब ग्रुप ऑफ द अदर, एक क्या होता है एक दूसरे को कंटेन करेगा, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप, मान लीजिए एक एच वन मेरे पास एक सब ग्रुप है, एक एच टू सब ग्रुप है किसी जी का, और एच वन यूनियन एच टू, तो मेरे पास सब ग्रुप नहीं होता है, एच वन इंटरसेक्शन एच टू सब ग्रुप होता है, परंतु एच वन यूनियन एच टू सब ग्रुप होते हैं कब, जब एच वन या तो एच टू का सबसेट हो या फिर मेरे पास एच टू सबसेट हो, किसका, एच वन का, क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज, जो कॉम्प्लेक्स डिफाइंड होता है एनी सबसेट ऑफ ग्रुप, कोई सबसेट ऑफ ग्रुप जी, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप मे बी है, मे बी नॉट, मे बी और नॉट सब ग्रुप, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यूनियन हो सकता है, कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब एच वन एच टू को कंटेन करे, नहीं हो सकता है, नो ही तो हो भी सकता है, क्लियर। तो आज के हमारे क्वेश्चन, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था हमारे पास सब ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें हमने समझी, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और फ्री में यहाँ आपको पूरे लेक्चर जो आप तैयारी यहाँ से दिल्ली में भी नहीं कराते हैं, दिल्ली में भी कराने के बड़े मोटी फीस लेते हैं, यहाँ हम आपको फ्री में करा रहे हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है, और हमको फीडबैक जरूर दीजिए कि आपने हमको क्या सुधार करना है, उसी हिसाब से मैं सुधार करूँगा, और जो भी कमियाँ पेशियाँ हैं हमको बताइए। तो मिलते हैं नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।